पिछले 40 सालों से विदिशा के बरवाले घाट पर अखिल भारतीय वर्षीय धर्म संघ द्वारा श्रावणी उपक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें विदिशा के तमाम ब्राह्मण जो पुजारी धर्म कार्य आदि में संलग्न होते हैं, वह साल भर के दौरान हुए जाने अनजाने में हुई धर्म के प्रति गलतियों को क्षमा मांगने के उद्देश्य से इस कार्य को करते हैं। श्रावण माह की पूर्णिमा पर किए जाने वाले इस कर्म को श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है। बताया गया कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण का तन मन दोनों ही नए सिरे से पवित्र हो जाते हैं। लगभग 40 वर्षों से अखिल भारतवर्षीय धर्म संयोजन के तत्वाधान में हम लोगों के द्वारा यहाँ आयोजित होती है। जैसे अपन मोबाइल चार्ज कर देते हैं बैटरी के बाद, और फिर जब बैटरी आती है, ऐसे ब्राह्मणों की ये चार्जिंग है कर्म कांड के लिए, तेज बढ़ाने के लिए, गायत्री माँ की कृपा के लिए, जिससे ब्राह्मण जन सम्मान कल्याण समाज के लिए जो भी कर्म कांड करेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सके ब्राह्मणों के बल से, इसलिए ब्राह्मणों का ये रक्षाबंधन। इसमें जाने अनजाने के जो भी पाप कर्म हैं उनकी निवृत्ति हम वर्ष में एक बार जो है ये निवृत्ति हो जाती है। उसमें 10 विधि स्नान होते हैं, सर्व प्रायश्चित संकल्प होता है, और इसी के साथ ही जो है जो हमारी ब्रह्म गायत्री है, आज गायत्री जयंती भी है, तो गायत्री की उपासना हम जो लोग करते हैं उनके द्वारा 100 पापों का प्रायश्चित करके, और ये जो ब्राह्मण देख रहे हैं आप, ये जो है नित्य नैमित्तिक त्रिकाल संध्योपासन में यदि कोई व्यवधान आ गया है तो वो भी जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है वर्ष में चातुर्वर्ण के लिए ये जो है 4 त्यौहार हैं, विशेष करके जो है ये ब्राह्मणों का विशेष त्यौहार है श्रावण का महीना, जिसमें पूर्णिमा के दिन जो है श्रावणी भारतवर्ष में क्या विषय में ये श्रावणी का कर्म का आयोजन।